हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कह सकते हैं। इसका मैं आपको छोटा सा मीनिंग बताऊँ। ठीक, तो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर मैंने फैक्टर्स लिखा है, ठीक, और यहाँ पर मैंने डिमांड लिखा है। तो फैक्टर्स क्या हैं? तो देखिए, फैक्टर्स हमारे ये हैं: प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर, फोर है टेस्ट एंड रिफरेंस प्रेफरेंस, फिफ्थ है मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सिक्स है पॉपुलेशन, सेवन है सीजन एंड वेदर, एट है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये जो एक से लेकर आठ तक, ये हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक से आठ तक हमारे लिए ये सारे फैक्टर्स या फिर डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। तो इनसे क्या होता है? ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा डिमांड क्या होता है, इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जिससे भी हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर से भी हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। तो फैक्टर्स की हेल्प से हमारा डिमांड क्या होता है, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, जब भी फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स हमारे पास टोटल एक से आठ है, ठीक है, ये हमारे लिए फैक्टर है। सो इनकी हेल्प से हमारा जो डिमांड होता है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो जब इन दोनों का हम रिलेशन निकालते हैं, उसे हम डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप, ये क्या एक रिलेशन शो करता है, ये क्या एक रिलेशन शो करता है बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स और उसके डिटर्मिनेंट्स के साथ। ठीक, तो सिंपल भाषा कुछ नहीं है, अभी हम फैक्टर्स धीरे धीरे सारे पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझेंगे कि कैसे हर फैक्टर से डिमांड इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। अब यहाँ पे एक ये रहता है कि डिमांड फंक्शन का हम एक इक्वेशन लिखते हैं, डिमांड फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ये सारा चीज़। अब ये सारा चीज़ कैसे आया, देखिए यहाँ पे आपको बस गौर करना है। देखिए यहाँ पे जी है गवर्नमेंट का जी, सीजन एस है यहाँ पे एस, पॉपुलेशन का पी ओ पॉपुलेशन, एफ का यहाँ पे एफ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का टी, आई का इनकम ऑफ कंज्यूमर, पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और यहाँ पे पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ पे दो पी आ रहे थे, मतलब तीन पी आ रहे थे, इसलिए हमने इसके जगह पी ओ लगा दिया। इसके यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पी आर हो गया, कि तीन पी आपस में कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो डिमांड, तो ये होता है डिमांड फंक्शन का एक इक्वेशन। आपकी बुक में भी अलग अलग दिया हुआ है, हर बुक में अपना अलग अलग होता है, जैसे हमारी लेक्चर्स में भी अलग अलग है। ठीक, लेकिन सबका मतलब एक है और सब सही है। ठीक, तो इसे कैसे पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ये सारे फैक्टर्स, समझ रहे हो? तो ये बताता है कि इन फैक्टर्स के कारण हमारा डिमांड ऊपर या नीचे जाता है। तो चलिए एक बार ये सारे फैक्टर्स को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं हर वो सारी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा एक से आठ तक पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी ये वाला पहला फैक्टर है। ठीक, अब देखते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी से हमारा डिमांड ऊपर नीचे कैसे जाता है। देखिए बच्चों, जब भी कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब भी कोई कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कमोडिटी मतलब कोई भी सामान। ठीक, तो जब भी कोई भी सामान की प्राइस मतलब महंगा हो जाएगा, कोई भी कमोडिटी महंगा हो जाएगा, तो उस जब भी कोई भी कमोडिटी महंगा हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, उस कमोडिटी को कम खरीदते हैं। ठीक है, तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो गई तो हम क्या करेंगे, उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देंगे मार्केट में। ठीक है, कोई भी अगर कमोडिटी की प्राइस सस्ती होगी तो हम उसकी डिमांड में मतलब उसकी मार्केट में हम डिमांड बढ़ा देंगे उस कमोडिटी की। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। नेगेटिव मतलब देखिए, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस जब कम हो रहा है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस भी बढ़ा डिमांड भी बढ़ा, तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, इसलिए नेगेटिव हो गया। जैसे सपोज़ कीजिए ये मोबाइल है, ठीक, ये मोबाइल है, अगर इस ये मोबाइल पहले 10,000 का मिलता था और इसकी प्राइस एक महीने के बाद बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, तो लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल को कहीं ना कहीं इसको कम लेना पसंद करेंगे। ठीक, अगर वहीं पे अगर इसकी प्राइस 10,000 से अगर 8,000 हो गई, कम हो गई, तो लोग बोलेंगे अरे इसका इसकी प्राइस सस्ती हो गई, इसे और खरीद लेते हैं, तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो एग्जाम्स में ऐसे ही आपको पूछता है, तो ये क्या करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, अब नेक्स्ट के बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये जो है ये हमारा दो इसमें डिवाइडेड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। तो देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह हम ले सकते हैं। जैसे अगर आपको
चाय नहीं मिली, टी नहीं मिला, तो आप क्या कर लोगे, कॉफ़ी ले लोगे, ठीक। तो टी एंड कॉफ़ी ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, मतलब एक दूसरे को बहुत टक्कर देते हैं। अगर आपको, अगर टी कहीं आप, मतलब मान लीजिए आप टी पीते हैं, ठीक, अगर आपको टी नहीं मिली तो आप कॉफ़ी पी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो हम एक दूसरे के जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। देखिए, गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई वॉन्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसे हम डिमांड कैसे समझते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे प्राइस लिया है टी का और यहाँ पे मैंने डिमांड लिया है कॉफ़ी का, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम टी की प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब हम टी ऑफ प्राइस की कम कर देंगे, उसे डिमांड कॉफ़ी की कम हो जाएगी। इसको बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, मतलब मान लीजिए कि पहले चाय हमारी 5 रुपीज़ की थी, कॉफ़ी भी 5 रुपीज़ का था, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। अब मान लीजिए गलती से फ्यूचर में जाके चाय जो हो गई वो हो गई 10 रुपये की, तो लोग को जैसे ही पता चलेगा कि भाई अब तो चाय की प्राइस 5 रुपये से हट के 10 रुपये हो गई, महंगी हो गई चाय, तो लोग बोलेंगे भाई एक काम करते हैं, हम कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस अभी भी ₹5 है, ठीक है। तो मतलब चाय की प्राइस बढ़ने से लोग किस में आ जाएंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, जब टी की प्राइस अगर बढ़ गई, ठीक है, टी की प्राइस अगर बढ़ गई तो हम क्या कर, लोग क्या करेंगे, उसे डर जाएंगे और बोलेंगे इससे अच्छा हम कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी आज भी सस्ती है, 5 रुपये की है, समझ रहे हो। अब ये तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि पहले टी और कॉफ़ी दोनों 5-5 रुपए का था, अब मान लीजिए कि टी सस्ती हो गई, ठीक है, टी सस्ती हो गई, मान लीजिए पहले 5 रुपए की थी, अब मार्केट में 5 रुपए की जगह अब 2 रुपए की मिलती है, 2 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन आज भी कॉफ़ी 5 रुपए की मिल रही है, तो लोग सारे क्या बोलेंगे कि भाई अरे टी की कॉफ़ी गिर गई है, वाह टी सस्ता हो गया है, तो एक काम करते हैं हम कॉफ़ी पीना छोड़ देते हैं, अब हम टी पियेंगे, क्योंकि टी तो सस्ता है, 5 रुपये से 2 रुपये में हो गया, लेकिन आज भी कॉफ़ी क्या है, 5 रुपये है। तो समझ रहे हो, तो मेरे समझाने का मोटो यह है कि जब आप एक कोमोडिटी की प्राइस लेते हो, दूसरी कोमोडिटी का डिमांड लेते हो, तो जैसे हमने टी की प्राइस लिया, कॉफ़ी का डिमांड लिया, तो जब हमने टी का प्राइस बढ़ाया तो लोग कॉफ़ी में शिफ्ट हो गए, लेकिन जैसे ही हमने टी का प्राइस सस्ता कर दिया तो लोग क्या कर दिए, कॉफ़ी की डिमांड कम कर दिए। तो ये आप देखेंगे दोनों क्या कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इट शोज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कोमोडिटी। एक कोमोडिटी की जब प्राइस में जब चेंज आता है तो दूसरी कोमोडिटी की डिमांड में भी चेंज आता है, जैसे हमने टी में चेंजेस हुआ, उसके कारण कॉफ़ी की डिमांड में भी चेंज आया, ठीक है। अब वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, देखो पेयर ऑफ अ कॉमोडिटी विच कैन नॉट बी यूज विदाउट वन अनदर, दे आर यूज टू टुगेदर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल कार को क्या बिना पेट्रोल के चला सकते हो, नहीं चला सकती, पेन को क्या बिना इंक के चला सकते हो, नहीं चला सक रहे। तो ये दोनों जो गुड्स है, जैसे पेट्रोल कार, ठीक, और पेट्रोल, ये दोनों बिना आपस बिना एक दूसरे की हेल्प से नहीं चल सकते, इंक और पेन भी बिना एक दूसरे की हेल्प से नहीं चल सकते, तो ऐसे टाइप के गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, ठीक है। विच कैन नॉट बी यूज विदाउट वन अनदर, एक दूसरे के बिना ये काम नहीं कर सकते, वैसे टाइप के गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे हमने इस एग्जाम्पल को लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेट्रोल का प्राइस ले लिया, कार का डिमांड ले लिया। तो देखो जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, पेट्रोल की प्राइस जैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है, पेट्रोल जब महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ही पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो आपके पापा आपसे कहते होंगे बेटा गाड़ी वाड़ी कम लेके जा, या फिर आप कोई नई कार या फिर गाड़ी खरीद रहे होते होंगे और आपको पता चल जाता है अरे यार पेट्रोल का प्राइस तो अभी बहुत बढ़ी रहा है बढ़ी रहा है, तो आप क्या कर सोचोगे, क्या एक काम करते हैं अभी कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदते, क्योंकि अभी तो पेट्रोल का दाम बढ़ते ही जा रहा है, अभी खरीदेंगे तो पेट्रोल भी बहुत महंगा हो जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे और उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यही रहता है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, कार की कहीं ना कहीं डिमांड को घटा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग बोलेंगे यार पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, एक काम करते हैं गाड़ी को और चलाते हैं, अपनी कार को आप और चलाओगे, आपका मान लो दुकान बहुत पास में है तो पेट्रोल मान लो एकदम सस्ता हो गया, तो आप पास की दुकान के लिए भी कार लेके जाओगे, या फिर आप नई कार खरीद रहे होंगे, तो अगर आप नई कार खरीद रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में पेट्रोल कम हो रहा है, तो आप तो इजिली कार खरीद लोगे, हाँ भाई अभी तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, पेट्रोल वाली गाड़ी ले लेते हैं आराम से, मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो ये रहता है, जब आप एक कॉमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जब आप एक कॉमोडिटी की प्राइस को बढ़ाते हो, ठीक है, तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जैसे पेट्रोल का कार है, तो उसमें उसकी डिमांड में डिक्रीज होता है, लेकिन वहीं पे जब आप प्राइस ऑफ पेट्रोल जब आप कम कर दोगे तो उस आपकी अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, एक बार बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन प्राइस ऑफ एक कॉमोडिटी में और अलग और दूसरी कॉमोडिटी के डिमांड में, ठीक है। जैसे
हमने पेट्रोल का डिमांड बढ़ाया तो इसका मतलब पेट्रोल का, जब पेट्रोल की प्राइस में चेंज हो रहा है तो कार की डिमांड में भी चेंज हो रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इट शोज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, जहाँ पे हमने पेट्रोल को लिया है, प्राइस डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, जहाँ पे डिमांड हमने कार की लिया है। समझ रहे हो, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री का कहते हैं। थर्ड फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, तो वो डिमांड भी बढ़ा देता है। जब कोई भी इनकम, कोई भी कंज्यूमर की, कोई भी कस्टमर की या कोई भी व्यक्ति की जब इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी कम कर देता है। जैसे सपोज कीजिए कि पहले आप 10, मतलब मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है वो 10,000 रुपये कमाता था, ठीक, चलिए 10,000 भी नहीं, 50,000 रुपये कमाता था, ठीक। तो 50,000 के हिसाब से वो क्या करता था, अपनी डिमांड को रखता था। मतलब 50,000 रुपये में वो क्या करता था, कूलर में रहता था, ठीक है, 50,000 में कूलर में रहता था, ठीक है, बहुत सस्ती वाली गाड़ी, मतलब अराउंड 8-9 लाख की गाड़ी में घूमता था, ठीक। लेकिन मान लो कि वही व्यक्ति का 50,000 से डायरेक्ट 1,50,000 सैलरी हो गई, इनकम उसकी बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से अपनी डिमांड भी बढ़ा देगा। अब वो पहले कूलर में रहता था तो अब वो क्या करेगा, अब एसी में रहेगा। पहले मान लो कि वो 8 लाख की गाड़ी चलाता था, अब वो चलाएगा 25-30 लाख की गाड़ी चलाएगा। तो मतलब माना जाता है कि जैसे इनकम बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, खरीदना भी ज़्यादा चालू कर देते हैं, अपनी डिमांड भी बढ़ाना ज़्यादा चालू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ही जब मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले 50,000 कमाता था, उसके हिसाब से कूलर वूलर में रहता था, ठीक है, 8 लाख की गाड़ी में, मान लो कि उसकी कुछ ऐसा हो गया उसके साथ बुरा कि उसकी इनकम ही घट गई, जॉब छोड़ दिया, फिर नया जॉब में लगा जिसके, जहाँ पे उसको सिर्फ 10,000 रुपये मिला है, तो बेचारा क्या वो हर चीज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसको अपनी कार भी बेचनी पड़ेगी, उसका टैक्स वैक्स कैसे पे कर पाएगा, ठीक है, तो उसको अपनी कार वार भी बेचनी पड़ेगी, हर चीज़ सस्ता सस्ता करना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी कस्टमर की जब इनकम घट जाती है तो उसके हिसाब से वो अपनी डिमांड भी घटा देता है, ठीक है, वो हर चीज़ को कम कम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ी है, जब इनकम कम हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, ठीक है, इनकम की कंज्यूमर और डिमांड की कमोडिटी में ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे फैक्टर पे बढ़ते हैं, लेकिन आगे फैक्टर बढ़ने से पहले मुझे आपको इम्पोर्टेंस बात करनी है कि बच्चों जो गुड्स होते हैं या फिर कॉमोडिटी जो हमारे होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिफिन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स। जिफिन गुड्स को जी से शो करते हैं, नॉर्मल गुड्स को एन से, लग्जरी गुड्स को एल से। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे बताया था इनकम, जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी तो आप क्या करोगे, ज़्यादा चीज़ लेते जाओगे। आप जैसे यहाँ पे मैंने एक्स में डिमांड लिया है, वाई एक्सिस में इनकम लिया है। तो देखिए जिफिन गुड्स मतलब बहुत गंदे टाइप के गुड्स, ठीक है, मतलब जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी जिफिन गुड्स में आ जाएगी, ठीक। चलो जिफिन गुड्स से नहीं, इससे अच्छा 1 लाख की गाड़ी जिफिन गुड्स में आ जाएगी, ठीक। 10 लाख की गाड़ी नॉर्मल गुड्स में आ जाएगी, ठीक है, 10 लाख की गाड़ी नॉर्मल गुड्स में आ जाएगी। लग्जरी में कितनी आएगी, 50 लैक्स की गाड़ी आ जाएगी अराउंड, ठीक। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, मान लीजिए कि पहले एक पर्सन था, उसकी इनकम सिर्फ 50,000 रुपये थी, तो 50,000 रुपये के हिसाब से उसने 1 लाख की गाड़ी खरीद लिया, ठीक। तो ये जिफिन गुड्स में आया। अब देखो जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा देगा और वो एक क्वालिटी गुड्स में शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लो कि कोई पर्सन की हो गई 1 लाख रुपये की सैलरी, तो अब वो क्या करेगा, 1 लाख से 10 लाख की कार खरीदेगा, तो वो जिफिन गुड्स से अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स में आ जाएगा। अब वो उससे अच्छी क्वालिटी की कार खरीदेगा। अब मान लो कि कोई पर्सन की 3 लाख रुपए सैलरी हो गई, ठीक है, तो उसकी इनकम जैसी बढ़ जाएगी, फिर वो परचेसिंग पावर बढ़ा देगा और फिर क्वालिटी गुड्स में वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल गुड्स से क्या हो जाएगा, लग्जरी गुड्स में आ जाएगा। अब वो लग्जरी गुड्स का यूज़ करना चालू कर देगा, जैसे महंगी गाड़ियों में घूमेगा, जैसे BMW, ऑडी, ये सारी चीज़ों गाड़ी में घूमेगा। तो ये डायग्राम ये बता रहा है कि जब आप गरीब हो तब आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, आप इस तरीके की गुड्स लोगे, जिफिन गुड्स, ठीक है। फिर धीरे से जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स में आओगे, फिर धीरे से आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप फिर लग्जरी गुड्स में शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से आप क्या करोगे, क्वालिटी अपनी चेंज करते जाओगे। तो ये डायग्राम ये शो करता है, ठीक। अब फोर्थ फैक्टर में हम आते हैं जिसका नाम है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो देखिए टेस्ट और डिमांड में भी अंतर है। देखिए जो भी चीज़ आपकी फेवरेट होगी, फेवरेबल होगी, आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे, जो चीज़ आपके लिए अनफेवरेबल होगी आप उसकी डिमांड को कम करोगे। जैसे सपोज कीजिए आपको मैगी बहुत पसंद है, ठीक है, वाओ मैगी, आपको मैगी बहुत पसंद है, तो आप क्या करोगे, मैगी की डिमांड बढ़ा दोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैगी खाओगे, ठीक। अब मान लीजिए कि मुझे मैगी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मैगी की मैं डिमांड को घटाते जाऊँगा। तो आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से डिमांड को इंक्रीज़ करते हो कोई भी कॉमोडिटी का। जैसे जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे, जो भी चीज़ आपको बेकार लगती है आप उसकी डिमांड को कम करोगे, सिंपल भाषा में, ठीक है। वही चीज़ लिखा है, फेवरेबल कंडीशन में आप डिमांड को इंक्रीज़ करोगे, अनफेवरेबल कंडीशन में आप डिमांड को डिक्रीज़ करोगे। तो अब फिफ्थ है हमारे पास फ्यूचर प्रेफरेंस या फिर एक्सपेक्टेशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वाला जो डब्बा है ना, ये डब्बा प्राइस फ्यूचर, मतलब ये डब्बा ये बता रहा है कि कोई भी कॉमोडिटी की, कोई भी सामान की अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज हो जाए, और यहाँ पे ये वाला डब्बा ये कह रहा है कि कोई भी आज के समय में कोई भी कॉमोडिटी का डिमांड कैसा है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि प्याज, आप प्याज जानते हैं, वो अनियन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, अनियन की मान लीजिए आपको पता चला
कि फ्यूचर में अनियन की प्राइस, प्याज की प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे? आज के समय आपको पता है कि 2 दिन के बाद जाके प्याज की प्राइस बढ़ जाएगी, प्याज महंगा हो जाएगा 2 दिन के बाद। तो आपके देखना मम्मी पापा क्या करेंगे, जैसे उन्हें पता चलेगा 2 दिन के बाद प्याज व्याज बढ़ जाएगा, तो वो आज ही प्याज भर के ला लेंगे, ठीक है। तो वो डिमांड आज आज डिमांड आज मतलब प्राइस 2 दिन के बाद इंक्रीज होगा, तो लेकिन प्याज की डिमांड वो आज बढ़ा देंगे, ठीक है। आज ही जाके बहुत सारे प्याज को वो घर ला लेंगे। अब मान लीजिए कि आपके मॉम डैड को पता चला कि फ्यूचर में जाके अब जैसे मान लीजिए कि आपके मॉम डैड को पता चला कि जैसे आप कोई कार ले रहे हो, ठीक है, आपके पापा एक कार ले रहे हैं। अब वो कार जो भी कार ले रहे हैं, आपके पापा को पता चला कि 2 दिन के बाद फ्यूचर में उसकी प्राइस 2 दिन के बाद उसकी प्राइस कम हो जाएगी। मतलब मान लो कि पहले आज आज आपके पापा ले रहे थे तो 10 लाख की है, जैसे आपके पापा को पता चलेगा कि 2 दिन के बाद मैं ये गाड़ी यही सेम गाड़ी को लूँगा तो मुझे 8 लाख रुपये में मिलेगी। तो आज तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे आपके पापा को पता चलेगा कि फ्यूचर में आप कार की प्राइस कम हो जाएगी 2 दिन के बाद कम हो जाएगी, तो आपके पापा क्या करेंगे, आज उस कार को नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड को आज के दिन प्रेजेंट मतलब आज के दिन वो उस डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि 2 दिन के बाद जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो 2 दिन के बाद खरीदूंगा, ठीक है। तो लेकिन उसकी डिमांड आप प्रेजेंट में क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है, प्रिफ्रेंस नहीं आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ही लिखिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्रेजेंट डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे वही चीज़ जो चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब 6 फैक्टर है हमारा पॉपुलेशन। देखिए जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगा। जैसे पानी, सिंपल सा एग्जांपल है वाटर। देखिए अब मान लीजिए कि एक छोटा सा गांव था यहाँ पे, ठीक, ये छोटा सा गांव था जहाँ पे सिर्फ 10 लोग रहते थे, ठीक। तो 10 लोग के हिसाब से उनको पॉपुलेशन उनकी कम थी, ठीक है, सिर्फ 10 लोग थे, उसके हिसाब से उनको कम पानी चाहिए। लेकिन मान लो कि और 50 लोग आके इस छोटी सी एरिया में रहने लग गए, तो इन 50 लोगों को भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे, पानी की भी डिमांड बढ़ा दोगे, सब लोग बोलेंगे कि मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी पानी चाहिए, ठीक। क्योंकि पहले जब पॉपुलेशन सिर्फ आपके पास 10 थी, लोग कम थे, तो उसके हिसाब से आपको कम पानी की ज़रूरत पड़ी थी, डिमांड आप पानी की कम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लोग आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, बोलेंगे 50 एक्स्ट्रा आ गए लोग, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वो भी लोग बोलेंगे हमें भी पानी पीना है। तो पॉपुलेशन जैसी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पानी का भी डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ते जाएगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, ठीक। तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। अब 7 पॉइंट है सीजन एंड वेदर। ये देखिए ये बहुत ईजी है, सीजन वेदर के हिसाब से आप कॉमोडिटी की डिमांड को बढ़ाते हो या फिर कम करते हो। जैसे मैं समर्स की बात करूँ, गर्मी का समय, ठीक, तो गर्मी के समय आप क्या करोगे, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ा दोगे, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में पोर्स होता है, ठीक है। तो गर्मी में जो भी आपका स्वेट होता है, पसीना होता है, तो वो कॉटन क्लोथ्स क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन वुलन क्लोथ्स ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो हम ठंडी के समय पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े, ठीक। तो गर्मी के समय आप क्या करोगे, कॉटन क्लोथ्स पहनोगे ना कि वुलन क्लोथ्स, तो फिर पगला जाओगे, ठीक है। वुलन क्लोथ्स पहनोगे तो आप गर्मी में, तो आप क्या करोगे, कॉटन क्लोथ्स पहनोगे। तो गर्मी के समय आपने कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ा दोगे और वुलन क्लोथ्स की डिमांड घटा दोगे। वैसे अगर मैं समर की जगह विंटर लिखूंगा, ठंडी के समय, तो ठंडी के समय आप क्या करोगे, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड को कम कर दोगे, और क्योंकि कॉटन क्लोथ्स आपको ठंडी से बचा नहीं पाएगा, लेकिन वुलन क्लोथ्स मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो आपको ज़्यादा ठंडी के समय आपको जरूरत पड़ेंगे, तो ठंडी के समय वुलन क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ा दोगे। मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सीजन एंड वेदर आप डिमांड ऑफ कमोडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे समर्स के समय आपने कॉटन की डिमांड को इंक्रीज कर दिया और वुलन क्लोथ्स की डिमांड को डिक्रीज कर दिया। अगर वैसे विंटर होगा समर की जगह, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड को कम कर दोगे लेकिन वुलन क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ा दोगे। अब आखिरी फैक्टर है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट टैक्स, ठीक। तो देखो जब भी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है ना, तो हम कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देते हैं, और जब भी गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है तो हम कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे डोमिनोज, या फिर अगर डोमिनोज या फिर केएफसी का एग्जाम्पल मैं लूँ, तो देखना जब जीएसटी नहीं आया था, ठीक है, तो जीएसटी के पहले ज़्यादा हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ गुड्स में हमें कम पे करना पड़ता था जीएसटी के हिसाब से, कुछ कुछ गुड्स में ज़्यादा, तो केएफसी और डोमिनोज में हमें ज़्यादा पे करना पड़ता था। तो देखो मतलब जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं क्या करता था, अराउंड 150 रुपीज़ लेके जाता था केएफसी में, और जिंगर बॉक्स उठा के खा लेता था, ठीक है। 150 में वो पिज़्ज़ा और पीसेस हर वो सारी चीज़ देता था, 150 रुपीज़ में, जिसमें टैक्स आ जाता था जीएसटी के पहले, तो तब टैक्स क्या था, बहुत कम था। तो उसके हिसाब से मैं केएफसी में जाके बहुत ढूंढता था, ठीक है, बहुत ही खाना खाता था। लेकिन जैसे जीएसटी आ गया तो सिर्फ 20 रुपये मुझे टैक्स का एक्स्ट्रा देना पड़ता था। मतलब पहले जो 150 में खाता था, अब उसके लिए मुझे 180 या 185 रुपीज़ पे करना पड़ता था। तो मैं धीरे धीरे केएफसी में जाना भी कम कर दिया। तो मतलब ऐसे ही हर कॉमोडिटी के साथ, अगर कार में भी आप देखना ज़्यादा टैक्स होगा तो लोग बोलेंगे कि कार जैसे टैक्स, मतलब मान लो कि 5 लाख की कार है, ठीक, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर देगी, टैक्स जोड़ देगी।
मतलब मान लो टैक्स गवर्नमेंट ने जोड़ दिया अराउंड 60,000 या फिर कुछ भी, मतलब मान लीजिए कि 20,000, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स जोड़ दिया ऑन रोड आते आते, तो मतलब आपको 5,20,000 पड़ गया। तो ये 5,20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 तो गवर्नमेंट लेगी और 5 लाख कंपनी लेगी। तो जितना अगर मान लो कि आप 5 लाख सोच के रखे थे, लेकिन उसमें गवर्नमेंट अगर 1 लाख टैक्स ले रही है, तो क्या आप ये गाड़ी को लोगे? नहीं लोगे, बोलोगे कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया, तो अब मैं ये गाड़ी को नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे को महंगी पड़ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप टैक्स कम रहोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा आप गाड़ी ले, मतलब डिमांड आप बढ़ा देते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिमांड इक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन गवर्नमेंट टैक्स एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। बहुत ईजी कंसेप्ट था गाइस, आपने इस 8 पॉइंट्स में मेरे साथ देखा कि इन 8 पॉइंट्स में हम कहीं ना कहीं को डिमांड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार देख, तो ये जो 8 पॉइंट्स जो थे, तो इन 8 पॉइंट्स में आपने मेरे साथ क्या देखा कि इन 8 पॉइंट्स में हम कहीं ना कहीं डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो सारा टॉपिक है, यही टॉपिक को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जहाँ पे हम अलग अलग फैक्टर्स में ये देखते हैं कि हम कब डिमांड बढ़ाएंगे कब डिमांड घटाएंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे डिमांड फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, ये सब का मतलब क्या है, ठीक है। अभी भी ये चीज़ फंक्शन का बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एफ का मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पी का मतलब है पॉपुलेशन, एस का मतलब है सीजन एंड वेदर, जी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स के हिसाब से डिमांड फंक्शन में क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो हमें ये टॉपिक बताता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फैक्टर्स से 1 से 8 के फैक्टर्स में हम क्या कर रहे थे, डिमांड को कहीं बढ़ा रहे थे तो डिमांड को कहीं घटा रहे थे। तो ये जो फैक्टर्स और डिमांड के बीच का हम रिलेशन शो करते हैं, इसे हम डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंस। तो गाइस होपफुली आज आपने सारा टॉपिक मेरे से अच्छे से समझ लिया होगा, वीडियो लेंदी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग ने सारा कंसेप्ट जो था समझ लिया है, ठीक। तो गाइस मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आपको हमारी ई बुक खरीदनी होगी तो आप खरीद सकते हैं, ऊपर आई बटन में जहाँ पे हमने बताया कि किस तरीके से आप हमारी वेबसाइट से ई बुक को परचेज कर सकते हैं, 40 to 50 रुपीज़ की है, ठीक। हर चीज़ दी गई है, क्वेश्चन आंसर से लेकर हर चीज़, ठीक है गाइस। तो वहाँ से अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज करेगी आपको। चलिए इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय।